तक ये इलाका कभी हार्ट ऑफ द सिटी हुआ करता था। ग्रामीण अंचल के सारे लोग जो है यहाँ पर बाजार करने आते थे। यहाँ से लगी हुई कचहरी है, यहाँ से लगा हुआ हॉस्पिटल है, सब कुछ यहाँ पे है। लेकिन 3 सालों से जब से ओवरब्रिज बनना चालू हुआ, सारे नियमों की अवहेलना करके यहाँ पर ये ब्रिज बना है। कोई भी सुरक्षा कवच इसमें नहीं बनाया गया था, वैसे गिरता पड़ता ब्रिज बन गया। नारकी जीवन 3 साल से यहाँ चल रहा है। ब्रिज चालू हुए 8-9 महीने हो गए, अभी तक जो है यहाँ पर जो है सड़क का निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ है। इसके लिए शासन प्रशासन स्तर पर कई बार प्रयास किए गए। प्रयास करने के बाद हमने जनप्रतिनिधियों से भी कहा, जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने देखा और समस्या को जिलाधिकारी महोदय से कहा। जिलाधिकारी महोदय स्वयं सर्वे करने आई, लेकिन उनके माथक कर्मचारी इस समस्या को कूड़ेदान में डाल देते हैं। कभी बरसात का बहाना लेकर के, कभी कुछ बहाने लेकर के काम को करना नहीं चाहिए। ओवर ब्रिज के पिलर नंबर 13 के पास ये नाला खोद दिया गया है जेसीबी मशीन से, और रोड बनने के लिए और नाला बनने के लिए, हमारा नाला बन जाने में कोई विरोध नहीं, नाला बन जाने के पक्ष में है, रोड बन जाने के पक्ष में है। लेकिन ये जो अनावश्यक रूप से खुदाई कर दी गई है और 3 महीने से पहले से खुदाई कर दी गई है और नाला बहुत चौड़ा खोद दिया गया है जेसीबी मशीन से, हम देखिए अब हम लोगों को, हमारे ग्राहक को दिक्कत होती है, हमारा व्यापार चौपट हो रहा है। अब यहाँ पानी का कीचड़ उचड़ होता है तो यहाँ बहुत दिक्कतें आती है। पुल के नीचे मान लो रहते हैं तो यहाँ ठीक है, बचे हुए हैं, नहीं जहाँ रोड पे गए था इतना कीचड़ होता है, साला पानी भर जाता है। यहाँ सड़क में करीब 1.5 साल हुए पुल बने हुए और यहाँ पे आवागमन में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, हम लोगों को ठिलिया ले जाने लाने में दिक्कत होती है। ये करीब 1.5 साल से दिक्कत है और तो फिलहाल 3 साल से हो गए जब से काम चालू हुआ पुल में। ये नगर पालिका द्वारा अवैध तरीके से जबरन बगैर किसी कार्य योजना के नाला खोद दिया गया है, जो कि 3 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा, जिसके कारण हम लोगों का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित है। इस समस्या से प्रथम जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिले, उसके बाद फर्स्ट रिमाइंडर लेकर दोबारा मिले। मौजूदा समय में हम लोग 4-5 बार सम्मुख न्यायालय जा चुके हैं जिलाधिकारी महोदय के, और उन्होंने भी रिपोर्ट किया है अधिकारी को, जल्द से काम शुरू कराया जाए। रोड पहले रोड थी, अब उसमें ओवरब्रिज का निर्माण हुआ तो अगल बगल चौड़ाई अपेक्षित है, उस चौड़ाई के लिए पुराने नाले को ध्वस्त करके नए नाले को बनाए जाने का कार्य होना है, जिसके लिए टेंडर हो गया है। उसमें हमने खुदाई का काम स्टार्ट भी कराया था, लेकिन वर्षा तेज गति से प्रारंभ हो गई तो कार्य रुक गया है, क्योंकि बरसात का पानी टोटल नाले से ही निकलता है, इसलिए वो काम प्रभावित हुआ है। बरसात बंद होती है, काम स्टार्ट होगा और तेज गति से होगा। कितने मीटर के पास है? मीटर क्या, रेलवे लाइन से चकरही चौराहे तक जहाँ तक ओवरब्रिज है वहाँ तक पूरे एरिया में नाले का निर्माण, नए नाले का निर्माण होगा।